हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग में हमने कुछ सेंटीमेंट्स देखे थे। अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आज मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया है। रेंज ब्रेक करता है तो कैसा मूवमेंट रहता है आज आपको देखने में समझ में आया होगा। 1100-1200 पॉइंट सडनली फॉल होता है। लास्ट की जो 5 PM का सेटअप होता है, 5 बजे का बाद की जो मार्किंग होती है, सेटअप होता है, उसके बाद में मूवमेंट आप देखिए, लगभग 700 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है इसने। सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके कंपेरिजन में आपको क्या चाहिए, आप क्या ट्रेड कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आज भी डेफिनेटली बहुत लोगों ने बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी बनाई होगी कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते। तो आपको अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना है, सिल्वर में रेगुलर अपडेट चाहिए, सिल्वर माइक्रो हो या मिनी हो, तो आप मेरे साथ सबसे पहले जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कुछ नए कंटेंट चाहिए कमेंट्स कर सकते हैं। आपके लिए मैं ट्रेनिंग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद में आप कमेंट करिए, आपको कुछ टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो उसमें मैं आपके लिए वीडियो डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। साथ में फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। इसमें मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाती है किस तरह से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या इसमें सेंटीमेंट्स है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा लेवल है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं वो है हमारा चार्ट। चार्ट ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा सेटअप है, जो आपको एक्सप्लेन करता है कि हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू मैनेज योर रिस्क। अब फ्रेंड्स, जो हमने मॉर्निंग में देखा था मार्केट कहाँ था, आप अगर मॉर्निंग की वीडियो देखे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके चेकआउट करके देख सकते हैं कि ये रेंज मार्केट के पास बनी हुई थी। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि मार्केट क्या करने वाला है, अगर ऊपर जाएगा तो ये एज ए सपोर्ट ना होके अब एज ए रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है ऊपर की तरफ है, तो एज ए रेजिस्टेंस है। फर्दर मार्केट आता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है। रेंज का ट्रेड आई थिंक अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए तो डेफिनेटली इस ट्रेड को पकड़ा होगा। अगर आपने इस ट्रेड को अभी तक कैप्चर नहीं किया तो डेफिनेटली आपको और थोड़ा लर्न करने की ज़रूरत है और अपने आप पे बिलीव लाने की जरूरत है, अपने आप कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है। इसको ब्रेक करता है तो हमारा क्या था, नेक्स्ट टारगेट हमारा था ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन के तो नीचे बना हुआ है, लास्ट में अगर आप देखते हैं 72,000 के आसपास से 71,200 के आसपास से ब्रेक करना स्टार्ट किया है, और ब्रेक करने के बाद में 5 PM का सेटअप अगर आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। हायर और लो मार्क कर लीजिए, जिधर जाए मार्केट शांति से जाके ट्रेड कर लीजिए। अगर पूरे दिन का मार्केट रेंज में है तो वहाँ आपको ज़्यादा बेटर वे से रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे सेटअप को हमें कभी नहीं छोड़ना होता है, कभी अगर ये हमारा 80% भी हिट करता है तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होता है। यहाँ आप देखते हैं हमारा रिस्क कितना था, 100 से 150 पॉइंट का, हार्डली 200 पॉइंट ले लीजिए अगर टॉप को आप लेके चलते हैं। रिवार्ड हमारे पास कितना था, रिवार्ड आप देख ले, सीधा ये नीचे बना हुआ है, लगभग ये 500 पॉइंट 600 पॉइंट का हमारा रिवार्ड बनता हुआ दिख रहा है। और लास्ट के जो 2 घंटे में मोमेंटम हुआ है 5 बजे के बाद का, वो अल्टीमेट था। उसके बाद में मार्केट ने 700 पॉइंट का मूव करके अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ पे प्रॉफिट 700 पॉइंट मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ कैप्चर करना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद में नई अपॉर्चुनिटी फिलहाल के बाइंग के लिए आप यहाँ पर मत बनाइएगा। मार्केट अभी डाउन में ही बना हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम में भी, और 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं तो ये क्या 70,000 का थोड़ा सा रिएक्शन है। 70,000 के आसपास मार्केट आया है, अब ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में दोबारा से जैसे इसने 72 से लेके 71,600 तक का रेंज बनाया था, ये अगर बनाता है तो फिर इसके लिए ऐसा कुछ फॉर्मेशन होने पर मार्केट का दोबारा से एक जोन का क्रिएशन होगा। इस जोन को मार्केट एज ए सपोर्ट के लिए काम करेगा। 70,000 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है फ्रेंड्स, अगर ये भी टूटता है तो आपके लिए फिर नेक्स्ट ट्रेड ओपन हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमने जो वीकली एनालिसिस किया था वो ट्रेंड आपको मिला होगा और अच्छा प्रॉफिट आपने गेन किया होगा। सेंटिमेंट्स नेगेटिव, ट्रेड हमने नेगेटिव साइड का देखा, लगातार देखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा मार्केट को बिताने दीजिए टाइम, टाइम बिताता है ये लगभग जो ट्रेंड लाइन से नीचे से लेके ये जो जोन का क्रिएशन मैंने किया है, ये आपके लिए लगभग 70,400 से लेके 450 से लेके नीचे 70,000, 400 पॉइंट दोबारा से एक रेंज थी। यहाँ 400 पॉइंट रेंज थी, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, सडन फॉल किया, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव आपको डाउन साइड के लिए दिया। अब दोबारा से रेंज में फंसा, अगर इसको फॉल करता है तो फिर आपके लिए बड़ा मूव डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा। ये सारे मूव हम कैप्चर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब काउंट उतने वैसे नहीं बढ़ रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे, तो आप उसमें थोड़ा सा चैनल को शेयर भी करिए अगर आपको लर्निंग कंटेंट चाहिए तो, क्योंकि तभी मैं आपको लर्निंग कंटेंट रेगुलर वे से प्रोवाइड करूँगा।
साथ में अब हम डेली टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। फिलहाल आपने अगर अभी तक यहाँ पे कुछ प्रॉफिट अर्न किया तो डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में मार्केट के लिए अगर दोबारा 70,000 नीचे निकालता तो फिर 1,000 पॉइंट का नीचे सीधा जोन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, ट्रेंड लाइन मार्केट ने ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया है, जोन ने आके रिएक्ट किया है। जिस तरह से इस जोन ने इसको दो बार रोका है, हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे ये दो दिन रुके। बहुत अच्छा ट्रेंड हमें मिला है। अगर आप देखते हैं तो हमें पिछले दो दिनों में मार्केट ने लगभग 2,000 पॉइंट का करेक्शन दे दिया है। 72,500 से मार्केट यहाँ स्टार्ट किया है सात को, 8,000 दो दिन का ट्रेड हुआ है। दो दिन के ट्रेड में अगर आप देखते हैं लगभग 2,000 पॉइंट से ज़्यादा का इसमें मूवमेंट आ चुका है। अब फर्दर अभी हमारे इसमें इस वीक में तीन दिन में क्या मोमेंटम रहेगा वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, हमें डिसाइड नहीं करना है। अब दोबारा से जो यहाँ पे ये जोन है रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, इसी बीच में मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है, जितना टाइम बिताएगा फ्रेंड्स उतना आपके लिए बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, नेक्स्ट बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। दो दिन बिताता है तो हो सकता है ऐसे बड़ी 2,000 पॉइंट का दोबारा से मूव आ जाए और मार्केट 68 के आसपास चला जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें होप बेस आपको नहीं करनी है, हम सिंपल प्राइस एक्शन बेस चलते हैं। जैसे अभी एक कमेंट था कि मार्केट अभी 72,000 के आसपास उन्होंने कुछ बाई कर रखा है, वहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आपने एक फ्रेंड 72,000 के आसपास बाई कर रखा था, 72,400, तो आपका ये रेंज ही सपोर्ट हुआ करती थी। रेंज आपकी टूट गई है, उससे नीचे 1,000 पॉइंट चला गया। अगर आपका रिस्क रिवार्ड इतना बेटर है कि आप खुद को होल्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप होल्ड कर सकते हैं। 70,000 एक बार और देख लीजिए, अदरवाइज मार्केट अभी ट्रेंड निगेटिव ही यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।